तीसरे दिन के एंड तक जहां हमें मैच ड्रा होता हुआ लग रहा था, चौथे दिन इंडियन टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पांचवे दिन हम लोग मैच जीतने वाले हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बात करने वाले हैं सेकंड टेस्ट के चौथे दिन के बारे में। तो दिन के शुरुआत में ही वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 5 विकेट लिए। जहां तीसरे दिन के एंड तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 229 रन था, चौथे दिन 255 रन पर वह ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी देखने को मिली और ऐसी बल्लेबाजी थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धुनाई शुरू की। जायसवाल अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इसके बाद ईशान किशन ने भी अपने टेस्ट करियर की हाफ सेंचुरी लगाई और इंडियन टीम ने 181 रन पर अपनी पारी घोषित कर दी। इंडियन टीम ने इस तेजी के साथ रन बनाए थे कि रन रेट के मामले में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंडियन टीम ने 7.54 की रन रेट से रन बनाए, जो कि पहले ओवर के हिसाब से टेस्ट करियर के इतिहास में सबसे ज्यादा है। खैर, जब वेस्टइंडीज की टीम दोबारा बैटिंग करने उतरी तो उसके सामने 365 रन का बड़ा लक्ष्य था और हाथ में थे 10 विकेट। लेकिन चौथे दिन के एंड तक वेस्टइंडीज अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी गवा चुकी है। हमने कल भी आपको बताया था कि इंडियन टीम मैच हारने नहीं वाली है, हो सकता है मैच ड्रा हो जाए, लेकिन पांचवें दिन इंडियन टीम को सिर्फ 8 विकेट चाहिए है। वहीं अगर वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतना चाहे तो अब भी उसे 289 रन बनाने होंगे। खैर, वो सब छोड़ो, आपको क्या लगता है कि कल क्या होगा और कौन सा गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेगा, कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हो तो यार वीडियो अगर पसंद आए तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में।